हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका वी गेमिंग चैनल में फिर से। तो गाइज, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा हमने जो है हमारे स्कॉर्पियो को मॉडिफाई किया था भाई, तकड़ा सा, आप देख ही सकते हो। और भाई आज है 15 अगस्त, तो भाई हमने जो है हमारे घर पे भी तिरंगा जो है लहराया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आज जो है हम जाने वाले हैं 15 अगस्त सेलिब्रेशन के लिए एक हिल टॉप पे, जहाँ पे हम तिरंगा के समारोह में मतलब शामिल होने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई हम जो जाने वाले हैं माइकल के पास, माइकल के पास से जो है हम जाने वाले बाद में शोरूम पे, क्योंकि रैली जो है हमारी वहाँ से स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, हम जो है एक रैली लेके जाने वाले हैं थार की, और वैसे भी माइकल की फॉर्चुनर भी लेके जाने वाले भाई। हम जो है माइकल की फॉर्चुनर में जाएंगे, बाकी लोग जो है थार में आने वाले हैं। तो भाई ये रैली जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो बने रहे इस वीडियो में। तो चलो चलती है जल्दी से माइकल के घर पर, और वहाँ जाके भाई माइकल के साथ निकलते हैं शोरूम के लिए। तो भाई वैसे भी आपको या पता ही होगा, हमने लास्ट वीडियो में जो भाई हमारा थार का जो है एक्सीडेंट हुआ था भाई, बहुत ही बुरा, तो वो जो है भाई थार बेनी ने बहुत ही ज़बरदस्त अभी तरीके से रिपेयर कर दी है, और वो जो है अभी हमारे शोरूम पे है। बट अभी जो है आज जो है हम उसको लेने नहीं जाने वाले, उसको जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं उसका रिवील। तो अभी जो है भाई आज का वीडियो में जो है अभी हम 15 अगस्त का सेलिब्रेशन के लिए जाने वाले हैं। तो भाई चलो जल्दी से माइकल के घर पे चलते हैं। बाकी माइकल के घर हम पहुँच ही गए हैं यहाँ पे। तो माइकल माइकल भाई कहाँ पे हो, यहाँ पे पार्क करते थे। ओके भाई, माइकल पूरा रेडी हो चुका है भाई, गाड़ी वड़ी भाई मतलब ज़बरदस्त, झंडा वंडा लगा के भाई बहुत ही सही लग रहा है। ओके भाई, तो ये फॉर्चुनर जो है माइकल और मैं मतलब फ्रैंकलिन जो है लेके जाने वाले रैली में। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है जिया स्पोर्ट वाली ये फॉर्चुनर। और वैसे आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने जो बोला था कि ये जो है इस इक्लिस टावर में जो है हमें एक घर जो है रूफ टॉप वाला है ये परचेस करना है। तो भाई ये भी हमने परचेस कर लिया है, और इस जो आफ्टर पार्टी होने वाली है मतलब जो रैली के बाद की पार्टी होने वाली है वो इसी टावर पे होने वाली है। तो भाई रैली के बाद सीधा हम यहीं पे आने वाले हैं इसी टावर में। तो फिलहाल तो भाई चलते हैं जल्दी से हमारे शोरूम पे, वहाँ से जो है रैली शुरू होने वाली है। ओके तो गाइस, हम शोरूम के लिए निकल चुके हैं अभी। तो भाई भाई माइकल की फॉर्चुनर बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है भाई, माइकल ने बहुत ही मतलब साफ वगैरह सुथरा धोई है, नई जैसी लग रही है। ओ भाई बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें भाई ये अपना तिरंगा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है भाई। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको अगर ये बहुत ही अच्छी लगी तो, शेयर भी ज़रूर करना इसको। ओके तो गाइस, हम शोरूम के पास आ ही चुके हैं अभी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा शोरूम। बाकी शोरूम में देख सकते हो भाई हमारे पूरे झंडे लहरा रहे हैं हमारे तिरंगा के, तो भाई बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ओके हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, बाकी रैली थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। ओके तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई हमारी रैली हो गई है स्टार्ट, और हम जो है फॉर्चुनर से इस रैली को लीड कर रहे हैं। बाकी पीछे हमारे और भी थार आ रही है, देख सकते हो आप, सफेद कलर की सारी थार जो है हमने मॉडिफाई करवाई है बेनिस है, और ये भाई झंडे हमने लगवाए हैं। तो भाई ये जो है रैली बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बाकी आपको जो है भाई दिख ही रहा होगा, अभी तो हमारे पास बाकी थार ओके पीटर अंकल पीछे रह गए थे भाई, ये पीटर अंकल है जो हमारे शोरूम के सेल्समैन है, तो भाई वो पीछे रह गए थे, वो भी आ रहे हैं। ओके पीटर अंकल आ गए, तो भाई जल्दी से चलते हैं। बाकी ट्रैवर बेनी सब भाई सब ये गाड़ी में कोई पता ही नहीं चल रहा, सब सेम गाड़ी है, तो कौन किस में बैठा हुआ है पता ही नहीं चल रहा। बाकी ब्लैक टिंटेड शीशे जो है उससे पता ही नहीं चल रहा अंदर कौन बैठा है। तो भाई थार जो है बहुत ही सही लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, बहुत ही प्यारी लग रही है वाइट कलर। भाई आज तक जो है हम सिर्फ ब्लैक कलर की थार जो चलाते थे, बट भाई वाइट कलर की जो है बहुत ही प्यारी लगती है, स्पेशली इस तिरंगा का जो झंडा है उस पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए मुझे जो है वाइट कलर मैंने जो है बेनी को बोला था कि इस पर मॉडिफाई करवाना, तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई ये रैली लेके चलते हैं हम हिल टॉप पे, जहाँ पे जो है मतलब ध्वजारोहण जो है होने वाला है। बाकी आप इंजॉय करो थोड़े से सिनेमेटिक सीन इस रैली के। भाई ड्राइवर जो है बोल रहा था कि मैं टैंक लेके आऊँगा इस रैली में, भाई हमने बोला भाई टैंक लेके मत आना भाई, हमको किसी को उड़ाना नहीं है भाई, हमको जो है शांतिपूर्वक जो है रैली लेके जाना है भाई तिरंगा लहराने के लिए। ड्राइवर का जो है अलग ही चलता है कुछ। अरे भाई वहाँ पे जाके कुछ खाने को मिलेगा या नहीं भाई?
अरे बेनी वहाँ पे खाने को नहीं मिलेगा भाई, खाने को तो बाद में है हमारी पार्टी भाई, 21 टावर पे हम वहाँ पे जाने वाले हैं भाई, तिरंगा लहराने के बाद। टेंशन मत ले, खाने को बहुत मिलेगा भाई। फ्रैंकलिन मुझे लगता है अपने गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हो माइकल भाई, पेट्रोल डलवा के लाई नहीं क्या? अरे यार पहले बोलते तो शोरूम से डलवा लेते हम। अरे कोई नहीं, मुझे लगता है हमारी गाड़ी वहाँ तक चली जाएगी। अरे भाई ऐसे डराओ मत। मैं डरा नहीं रहा, मैं तो बस इन्फॉर्म कर रहा था। ट्रेवर पता नहीं किस गाड़ी में बैठा है, अभी तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कौन सी गाड़ी में कौन बैठा है। बाकी इसमें ट्रेवर, बेनी, वेड भी है जो ट्रेवर का, ट्रेवर के गांव का है, और पीटर अंकल का बेटा भी है। तो भाई बहुत सारे लोग हैं हमारे पास साथ, इस रैली में शामिल हुए हैं। बाकी ये, अरे यार ये टेढ़ा चल के कौन टायर करके कौन चला रहा है भाई? ये पक्का ड्राइवर ही होगा मुझे लग रहा है, पता नहीं ये कैसे चला रहा है भाई गाड़ी, टेढ़ा टायर करके पूरा चला रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। अरे देखो भाई अलग ही भाई ड्राइवर का अलग ही चलता है कुछ तो। ओके गाइस तो सब जो है आ चुके हैं, हम वेट कर रहे थे कि अरे भाई ड्राइवर, भाई ड्राइवर बहुत ही मस्ती कर रहा है भाई, गाड़ी को जंप करा रहा है पूरा। ठीक है भाई तो सब लोग जो है लाइन में चलेंगे अच्छी तरीके से, कोई मजाक मस्ती नहीं करेगा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है अभी हम पहुँचने वाले हैं। यार तो बहुत सही लग रही है गाइस, बट मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो को भी हमको लेके आना चाहिए था, बहुत सारी अगर स्कॉर्पियो भी हम इस रैली में लेके आ जाते भाई इसमें 4 चांद और लग जाते। वैसे भाई थार भी बहुत ही अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जो है स्कॉर्पियो और थार सबकी भाई रैली निकालेंगे, फॉर्चुनर और भी बहुत सारी इंडियन कार को जो है हम भाई रैली में शामिल करने वाले नेक्स्ट टाइम। हमारी थार जो है वो भी रेडी हो चुकी है भाई, बट उसको जो है हम रैली में नहीं लेके आए क्योंकि उसका थोड़ा सा पेंटिंग का काम जो है बचा हुआ है, इसलिए उसको हम लेके नहीं आए। बाकी हमारी थार जो है हमने उस पर बहुत ही ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं रिवील करूँगा वो क्या क्या किया है, तो भाई बने रहना नेक्स्ट वीडियो में। अब ओके तो गाइस हम जो है हिल टॉप पे पहुंच चुके हैं, पीछे आप देख सकते हो वाइनवुड वाली हिल भी यहाँ से दिख रही है। तो गाइस ये जो है सिटी की थोड़ी सी ऊंची जगह है, तो यहाँ पे जो है हम हर साल तिरंगा लहराते हैं भाई। हम जो है हमारी गाड़ियों को यहाँ पे लगा दिया है भाई, अच्छी तरीके से पार्क कर दिया है लाइन में, तो भाई बहुत ही अच्छी लग रही है। ओके गाइस तो बाकी पब्लिक भी बहुत सारी आ चुके हैं यहाँ पे, तो तिरंगा जो है इस सेंटर वाले स्ट्रक्चर पे लहरा जाने वाला है। बाकी हमारे जो गाड़ियाँ हैं भाई बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बाकी कौन सी भी गाड़ी नहीं है, बस हमारी गाड़ियाँ है यहाँ पे। तो अभी जो है तिरंगा जो है यहाँ पे लहरा दिया जाएगा। ओके तो गाइस तिरंगा जो है यहाँ पे लहरा दिया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। तो पटाखे वगैरह फूट रहे, पानी के गुब्बारे वगैरह भाई चल रहे हैं, तो सेलिब्रेशन चल रहा है भाई पूरा, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है भाई तिरंगा इस आसमान में। तो गाइज ठीक है अभी जो है हम साथ में वगैरह फोटोशूट वगैरह करवाते हैं। बाकी गाइज आ जाओ भाई लोग, भाई ट्रेवर तो भाई टी शर्ट में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेनी भी भाई वर्कशॉप वाले कपड़े में आ गए, चलो कोई नहीं, कुछ तो ढंग के कपड़े तो पहन के आते यार, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है गाइज फोटो वगैरह खींच लेते हैं, और भाई हम इसके बाद चलेंगे हमारी पार्टी के लिए, जहाँ पे हम जो 21 टावर पे हमारी जो है नया वाला घर है उस वहाँ पे पार्टी रखी है हमने, तो वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ पे भी माइकल की फैमिली भी वगैरह आने वाली है, तो चलो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। ओके तो भाई लोग हम निकल रहे हैं अभी, सब पीछे पीछे एक लाइन में सीधे तरीके से आ जाना, और देर मत करना भाई, पीछे मत रहना कोई भी, और खास करके पीटर अंकल, भाई पीटर अंकल पीछे मत रहना तुम। अरे कोई नहीं पुत्र, आ जाऊँगा मैं। हम निकल चुके हैं अभी पार्टी के लिए, हमारा सेलिब्रेशन जो था भाई तिरंगा का वो हो गया है कंप्लीट 15 अगस्त का, तो अभी जो है हम 21 टावर के लिए निकल चुके हैं सारे लोग, तो भाई चलते हैं वहाँ पे, और भाई आपको दिखाते हैं हम हमारा नया घर भाई, जो हमने जो अभी परचेस किया है भाई, बहुत ही महंगा और बहुत ही लग्जरियस है, आपको दिखाते हैं भाई जल्दी से। ओके गाइस हम पहुँच चुके हैं भाई 21 टावर, भाई ये बंदी है हमारी थार का फोटो खींच रही है भाई, बहुत सारी पब्लिक जो है फोटो खींच रही थी आज, तो भाई वैसे थार भी हमारी बहुत ही अच्छी लग रही है इसलिए सब फोटो खींच रहे थे आज। ओके गाइस तो ये है हमारा 21 टावर भाई, बहुत ही बड़ा है वैसे, मुझे लगता है सिटी में ज़्यादा ऊंचा, सबसे ऊंचा बिल्डिंग तो भाई मेज बैंक का है, सबसे ऊंचा मेज बैंक का है देन हाँ, बट इस एरिया में जो है इतनी बड़ी ऊंची जो है बिल्डिंग अभी तक कोई नहीं है, तो भाई यही है सबसे ऊंची बिल्डिंग इस एरिया में, तो और इस के रूफ टॉप पे है हमारा भाई बंगलो पूरा, इतनी ऊपर मतलब सीढ़ी से कोई नहीं जा पाएगा, तो लिफ्ट से एंट्री है। ओके गाइस तो हम जो है
पार्टी में पहुंच चुके हैं भाई, शाम हो चुकी है यहाँ पे। बेनी पता नहीं किस कॉल पे लगा हुआ है, बाकी लस्टर भी यहाँ पे आ चुका है, ट्रेवर और इनका कुछ तो चल रहा है। तो ठीक है, मैं आपको घर दिखाता हूँ अंदर से भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है, देख सकते हो आप, बहुत ही लग्जरियस है। ये अब से हमारा नया घर होगा, बट भाई हम इसको मतलब परमानेंटली नहीं रखने वाले, इसको हम बाद में भी जाके अच्छे दाम पे बेचने वाले। तो भाई ये कुछ दिनों के लिए बस हम यहाँ पे रहेंगे, तो भाई बहुत ही अच्छा है घर। एक तो यहाँ पे किचन है, ठीक है, और क्या 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 है भाई, इधर से आई थिंक एग्जिट है, हाँ राइट, यहाँ पे लिफ्ट है और यहाँ पे स्टेयर्स है, ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई बट बहुत ही लग्जरी है। और यहाँ से जो है पीछे हेलीपैड वगैरह है, और यहाँ पे एक वॉलीबॉल का एक थोड़ा छोटा सा एरिया है, यहाँ पे माइकल की बेटी है, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही है, और स्विमिंग पूल वगैरह देख सकते हो आप, बहुत ही भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लग्जरी है। तो चलो इन लोगों से कुछ बात वगैरह करते हैं, और भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई पीछे पीछे भाई व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई लोग आप पीछे व्यू देख सकते हो, पूरी सिटी का व्यू यहाँ से दिखता है भाई, कितना ज़बरदस्त लग रहा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। भाई की माइकल की वाइफ जो है यहाँ पे किसी से बात कर रही है, बात की जिमी मॉली के साथ पता नहीं क्या कर रहा है, चल रहा है इनका। मॉली जो है हमारी असिस्टेंट है भाई, ये पूरा शोरूम का जो है संभालती है, और यहाँ पे लमार उसके फ्रेंड के साथ चिल कर रहा है, ठीक है। ओके तो गाइज आपको कैसा लगा ये घर मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और भाई बहुत ही ज़बरदस्त है वैसे तो, मुझे तो काफ़ी पसंद है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। क्या हमें परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए या हमारे पुराने वाइनहुड हिल वाले घर पे ही रहना चाहिए, मुझे वो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो गाइज अभी हम टावर के नीचे आ चुके हैं, तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक ज़रूर करना, आपको रैली कैसी लगी थार की वो ज़रूर बताना, 15 अगस्त जो हमने सेलिब्रेट किया उसका सेलिब्रेशन में क्या अच्छा लगा आपको वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और शेयर ज़रूर करना अगर अच्छा लगा वीडियो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।